ये दुखद बात है। और बिहार में जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जनता दली हो, कांग्रेस हो और लेफ्ट पार्टियाँ, सब मिलकर बिहार में मानव श्रृंखला बनाया था। और सरकार ने जो कानून बनाई थी शराबबंदी का, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तो हम लोगों ने कसम खाया था विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी कि शराब न पिएंगे और न लोगों को पीने देंगे। लेकिन शराब का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और सरकार के बनाए हुए नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये खराब शराब मिल रहे हैं, जहरीली शराब मिल रहे हैं, जिससे लोगों की मौत हो रही है। इसके जिम्मेवार कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो शराब माफियाओं से इनकी मिलीभगत है। वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, वो पुलिस अफसर, और उनके आड़ में अरबों रुपया कमाने का काम किया है, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया कमाने का काम किया है। तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके और बर्खास्त करने की ज़रूरत है। जब तक दर्जनों पदाधिकारियों को आप बर्खास्त नहीं कीजिएगा, इस पर लगाम नहीं लगेगा। और माफियाओं को तो आजीवन कारावास होना चाहिए और उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जितना मान ली उन्होंने कहा है कि जो आने वाले चुनाव में 2024 में वो नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ उनका पुरजोर समर्थन। तो ये तो कहने की क्या बात है, वो तो महागठबंधन के अंग हैं और महागठबंधन में वो मंत्री, उनके लड़के भी हैं, पार्टी भी है, इसलिए उनके कहने का ये मतलब नहीं, वो तो है ही महागठबंधन में। अच्छा, ये मोहन भागवत है, उन्होंने धन परिवर्तन पर तीखा हमला बोला और कहा है कि जब लोग समाज पर से विश्वास खो देते हैं तो मिशनरी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नहीं, सवाल है कि यही लोग, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, आरएसएस के लोग हों, चाहे हिंदू विश्व परिषद का लोग हो, फेल करता है। और ये सही बात है कि इन लोगों के गलत नीतियों की वजह से धर्म परिवर्तन लोग करते हैं, इसलिए अपने आप में ये सुधारें। और देश की आज़ादी में तो इन लोगों का हाथ रहा नहीं है, देश जो आज़ाद हमारा है, तो ये आरएसएस वाले तो वो जो गांग्रेज थे उसकी मुखबिरी किया करते थे। और हिंदू हिंदू रट रहे, हिंदू यही एक हैं, हिंदू हम लोग भी हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सब जाति और धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। इसलिए ये लोग केवल मुखौटा है। और ये लोग अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, मुखबिरी किया करते थे, इसलिए इन लोगों के बात पर भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए देशवासियों को।